today's video will be... Good morning everybody and welcome back to my channel. This is Madhavi Ambore and we are meeting after a long time. So, big hug for all of you. I can proudly say that we are 400 now. And I am so happy that I was unable to upload videos regularly, but still you stood by my side. ऐसे ही मुझे बहुत प्यार देती रही है because मुझे अच्छा लगता है. So why I am so glam up? Not glam up actually. I'm wearing a kurti which I recently got from Amazon. I regret this purchase, but क्यों ना हम इस रिग्रेट को एक वीडियो में कन्वर्ट करके इसको थोड़ा सा यूज कर लिया जाए. इंट्रो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए फटाक से हम लोग वीडियो में चलते हैं. टुडेज वीडियो इज व्हाट्स इन माय बैग. सो यूजुअली आई कैरी टू बैग्स फॉर ड्यूटी. मैं ड्यूटी के लिए दो बैग्स कैरी करती हूँ. एक जब मुझे लगता है कि मुझे हाँ ड्यूटी में लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लैपटॉप वाला बैग यूज़ करती हूँ. तो नो यूज़ ऑफ शोइंग यू दैट बैग क्योंकि उसमें तो लैपटॉप रहेगा ना यार. और क्या मुझे वो लैपटॉप का बैग हमेशा कैरी नहीं करना था तो आई कैरी अ स्मॉल बैग. यू कैन सी यू विल बी सीइंग दिस. So I usually carry this bag to the hospital. Duty के लिए हम लोग ये bag use करते हैं. ये bag के पीछे एक story है because this bag, जब मैं इस बार घर गई थी तो मैं ये bag अपने भाई से चुरा कर लेकर आई हूँ. This is a bag from Decathlon. Decathlon के bags बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत comfortable and बहुत ज़्यादा spacious भी रहते हैं. ये आपको छोटा सा ज़रूर दिख रहा है लेकिन इसमें जगह बहुत भरपूर है. आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भर भर के लेकर जा सकते हो. सो फर्स्ट थिंग जो इस बैग में से आपको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम यार ऑब्वियसली हाँ आई एम लाइक मुझे बुक्स तो कैरी करनी पड़ेगी तो बुक्स तो ज़रूरी है. हर एक बुक के लिए अगर मैं 10,000 खर्चने शुरू कर दूंगी तो मेरे पास में पैसा ही नहीं बचेगा. तो इसीलिए हम लोग स्पाइरल बाइंडिंग एंड जेरोक्स के ऊपर जीते हैं. तो सारे बुक्स का मैंने जेरोक्स करके रखे. बाद में आई लाइक दिस छोटू सा नोटबुक. सी दिस इज मैचिंग टू माई आउटफिट. मैंने ये पर्पसली बास्केटबॉल वाला कवर लिया था बिकॉज आई लाइक बास्केटबॉल. एंड आई कैरी दिस नोटबुक फॉर माई मॉर्निंग क्लासेस. जो मॉर्निंग की क्लासेस होती है, जो भी मॉर्निंग का डिस्कशन होता है वो मैं इसमें लिखना पसंद करती हूँ. मैं ये हर जगह कैरी करती हूँ. एक ये है. उसके बाद में देयर इज वन लॉग बुक ऑफिस. तो देयर इज वन लॉग बुक. ओके. सो अपार्ट फ्रॉम बुक्स एंड ऑल हम लोग ऑल इसके बिना आप डॉक्टर कैसे हो. ठीक है. तो स्टेथोस्कोप इज नेसेसरी. एंड बचपन में इन द सेंस मैं जब स्कूल में होती थी तो स्टेथोस्कोप इसका ना स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है. जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्टेथोस्कोप की स्पेलिंग लिखकर बताइए कि आपको आती है. बट इन शॉर्ट वी कॉल इट एज स्टेथो और स्टेथ. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग डोनर्स एंड ऑल. तो इसीलिए एंड वन बुक जो रफ के हंसना मन बट ये मैंने चोरी की है. अगर आप भी मेरे जैसे ऐसी हरकत करते कि कहीं पर आपको सॉस एक्स्ट्रा बच जाता है. जैसे लंच हम लोगों ने उस दिन मंगवाया था तो उसके साथ में सॉस आया था तो एक्स्ट्रा बच गया था तो मैंने ना रख लिया. तो अगर आप भी ऐसे करते तो मुझे ज़रूर बताना. या आई थिंक रेड मतलब चलो ठीक है. दिस इज पता नहीं क्यों हो रहा है मतलब हो रहा है बट आज मैंने रेड लिपस्टिक भी लगाया है. सो सब कुछ मैचिंग हो रहा है आज मेरे साथ. ऑलवेज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. स्टे हाइड्रेटेड. तो वो आपका स्किन को भी क्लीन करता है और मन को भी क्लीन करता है. मन को कैसे क्लीन करता है मुझे मत पूछना. ठीक है. मैंने मैं कैरी पेन से. सो सनस्क्रीन एक्चुअली ना यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्स बट नहीं हो पाता है यार. हर तीन घंटे में ये याद कैसे रहेगा कि मुझे सनस्क्रीन लगाना है. मैन आई एम यूजिंग दिस लाश शील्ड का सनसिल्क एंड इफ आई एम नॉट प्रनाउंसिंग इट
करेक्ट देन प्लीज करेक्ट मी बट आई कॉल इज लाशी SPF 50 एंड PA 3 प्लस सो दिस इज गुड फॉर योर स्किन स्क्रंची बिकॉज इफ यू नो मी दैट देन यू नो दैट दिस हाई पोनी वाला थिन्ना ये बहुत सर दर्द करवाता है तो जब सर दर्द होता है ना तो दिस कम्स हैंडी देन कचरा ठीक है यार और उसके ये तब मैं यूज़ करती हूँ जब मैं आती जाती रहती हूँ जब मतलब खाने के लिए आना फिर वापस जाना फिर ब्रेकफास्ट के लिए आना फिर वापस जाना ये वाला जो टाइम रहता है ना उस टाइम पे आई फील बोर्ड एंड यूजुअली आई एम अलोन एट दैट टाइम सो आई दिस स्टैम्प सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वी हैव टू फिल फॉर्म्स एंड एवरीवेयर जहाँ पर भी हम लोग साइन कर रहे हैं वहाँ पर वी शुड पुट अस स्टैम्प दिस is the most important thing in my whole bag. कुछ time पहले used expired lipstick on my lips. तो उसकी वजह से मेरे lips इतने dry होने लग गए थे कि flakes निकलते थे उसके तो मैंने बहुत कुछ try किया but नहीं हो पाया. At last I purchased this. This is my second time purchasing this. पहले मैंने बहुत पहले इसको use किया है but that time I had some mixed feelings क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि ये कुछ कर Now I am using this. No, this is the best product for dry lips. I am telling you. आप इसको लगाओ, आपके lips soft भी लगेंगे plus hydrated. I have more pens, ball pens use करने की आदत नहीं है क्योंकि मेरे हाथ दर्द होते हैं यार. Charger, I usually carry charger and a power bank. If I am going for camp or कहीं पर तो मैं charger और power bank use करती हूँ. Power bank I have recently started carrying because this is very heavy. भी यार और मेरी फ्रेंड जो है ना ये तो मेरे को बोलती है कि ये अपना हथौड़ा लेके मत आ जाना शी कॉल दिस हथौड़ा बिकॉज दिस इज है पास में आपको कुछ सिखाने के लिए है नहीं छोटा जिप है एक बड़ा जिप है तो यहाँ पर यूजुअली सिंगल कंपार्टमेंट वाला थिंग है तो यहाँ पे छोटा जिप दिया बट ये छोटा वाला जिप बिना जब आप इसको ओपन करोगे ये मेरे भाई ने मुझे बताया था कि ये बहुत बड़ा बन जाता है सी इसमें इतनी जगह है ये बहुत बड़ा बन जाता है यू कैन यूज दिस जिपर एज अ सेकेंड कंपार्टमेंट तो हाँ काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है छोटा सा दिखता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैंने आज फर्स्ट टाइम आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस बट मैंने बहुत कम आई शेडो आँखों के ऊपर लगाया है मुझे नहीं पता कि दिख रहा है आई होप यू लाइक दैट बाकी आई डोंट नो व्हाट डू आई कैरी आई कैरी ओके सो आई कैरी अम्ब्रेला भी कैरी करती हूँ क्योंकि धूप होती है सो सेलिना छाता सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं बना होता है कि बारिश हो तो छाता यूज करो नहीं 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 आप धूप में भी इसको यूज कर सकते हो यार तो प्लीज मैं चाहूंगी कि पौंडीचेरी आप लोग सब अम्ब्रेला यूज करना स्टार्ट करें ताकि हम लोगों को ऑकवर्ड फील ना हो हम लोग रास्ते में अम्ब्रेला खोल के चलते हैं ना तो लोग हम लोग को ऐसे देखते हैं अच्छा बड़ी धूप लग रही है तुमको We have come to the end of this video and I'll see you in the next pata nahi kab but I'll try my best to upload regularly and I'm trying yaar mere ko samajh mein nahi aa raha matlab main bahut koshish kar rahi hu par theek hai thoda thoda time lagega thoda thoda karke hum log aage badhenge so tab tak kya bol rahi hu main तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और आप अपना ध्यान रखोगे ना तो ही आप मुझे बहुत सारा प्यार कर पाओ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई नॉक योर डोर यू से हाय नारी